नहीं जानते हैं, आप ही जानते हैं, बताइए ना, अभी पूछवा देंगे फोन करके, बताइए। अच्छा तुम्हारे भाई 20-20 वर्ष का है? नहीं 30 साल का है। केवा बड़ा वाला? अरे चुप रहो, उनसे 30 वर्ष का नहीं होगा, कम से कम 40 वर्ष से कम के, तुम बात मानो 40 चाहे 35-37 वर्ष के आए हो। अच्छा एक बात बताए आप लोग को, देखिए हमको झूठ पे बहुत सत्य नफरत है, आप लोग इनको सामने हम सुनवा दे, बस हाँ बोलिए। सुनवा देना वो बाद में हम समझ लेंगे, बाकी झूठ कहे बोल रही है। नहीं बोलिए, सुनवा देता हूँ, अपने पापा को फोन अभी लगा रहे, फोन कहाँ? फोन नहीं लगाना है। नहीं नहीं लगाएंगे, वो हमको झूठ पे बहुत नफरत रहा, अभी अपने पापा से लगा रहे हो, और देखिएगा कि हम क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछेंगे। ये बोलते हैं ना इनका भाई बूढ़े बूढ़े हो गए, अरे भाई जैसे, अरे पाँच काला सोचे, छोटा वाला कम से कम 25 वर्ष का, हम लोग से हम छोटा है क्या वो भाई, हमारा 25 साल का नहीं है। अरे का बात के, अब लगलु समझावे, अब हम कहें कि 10 वर्ष के बने तो कोई मानेगा जी? देखिएगा ऐसा ही अपने गाल से दवा लाते, परी का बेटू, अब कोई कहेगा कि हम 10 वर्ष के बने, 20 वर्ष के, हमारा उम्र हो रहा है 26-27 वर्ष, तो हम झूठ साथ कहें बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं, उम्र का। हेलो बोला तुम भैया? ए भैया तू कौन साल के बाड़ा, तू कौन साल के बाड़ा? उम्र का साल का भइल? आमा साला सही रियली कहतनी, बताओ शर्त लागल बा, शर्त लागल बा, तू बताओ ना तो बताओ तनी, एकदम ओरिजिनल 37 साल के बड़ा। चला चानी काट, ए भैया काहे मजाक कर तड़ा, मजाक कर सही बात कोला, 18 साल का बानी तब कोनी है? हला सुना ना हो जाई, नहीं ना हम के रे काहे कर के सर जो तेरे के सब बिया गना करब का देखा जे? अच्छा ल देखत रहिए माई तो के बना के। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम, हम खुशी गोरछी बोला था नहीं तो आप लोकेशन बन जाए, उम्मीद करके बहुत अच्छा ही हो जाए, मस्त रह जाए, स्वस्थ रह जाए, बहुत खुश रह जाए, तो देखे जाए एगो दुख जाए तो एगो दुख आ जाता टे, तो तब तक ले अभी एगो मुसीबत हल हो तो ले देखी जाए, चूहा महाराज लोग गणेश भगवान, तो देखिए का कर दिया है हम लोग के, चाउर आज 50 किलो बर्बाद कर दिया है, सब काट छीट के देखिए, हम दिखा रहे हैं हम लोग खोल खाल के अथो कट कुट के फेंका है, का बताए, तो ये मुसीबत कभी नहीं खत्म होने वाला है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिंदगी में ना, कुछ होने रहता है। अच्छा वो बेचारा कहाँ जाएगा बताइए? चलिए कोई बात नहीं है, वो लोग खाने के लिए कहाँ जाएंगे, हाँ लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि चूहा के लिए, तो चूहा ऐसा चीज है कि मेरा चावल पहली बार खाया है, और नहीं तो कपड़ा वपड़ा नहीं काटता है, कितनों कपड़ा रख रहेंगे तो नहीं काटेगा। अच्छा ये क्या कर रही हैं? ऐसे आज झरना से झार रहे हैं ना कि चंदा दूध रख दीजिए। अच्छा मतलब क्या होता है झार कर? झार देंगे ना तो बस बिन बिन के और चावल अच्छा बनाना पड़ेगा। ये का है किलुआ? ये सब किलुआ किलुआ है, तो चावल में तो रहते हैं ऐसे, घिनना लग रहा है ना, बनने के बाद में सूप किलो खाते है ना, किसी चीज से नहीं घिनाते है जी, वो बात नहीं बोल रहे हैं, ऐसे देखने में कितना खराब लग रहा है चावल। नहीं ये होता है ना कि से यही सही बात बोला गया कि कीचड़ में कमल का फूल उगता है ना, अभी तो माना कचड़े ना है, हम इसलिए ऐसे करते हैं कि शूटिंग से हम लोग आएंगे तो बस धो धा के और भात दाल मार भात बना के खा लेते हैं, वो बात नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं लोग ना कि कीचड़ में कमल का फूल उगता है, अभी तो माने गंदा है, इसको बाद में बाहर जिंदगी का अनमोल चीज है जो कि हम लोग का पेट भरता है जी, सही बात है, जिंदगी चलता है। देखिए पेट ऐसा चीज है कि किसी से भेंट करा देगा, और विदेश अमेरिका लुधियाना दिल्ली मुंबई बस पेट के लिए जाते हैं, खाते हैं और हक देते हैं, और कितना करोड़ कितना लाख कितना हजार रुपए खा गलते हैं लोग बताइए, खाते है ना, सही बात है, तो ये ऐसा पेट है कभी नहीं भरेगा, कभी भी पूरा दुनिया को खा जाइएगा तभी नहीं भरने वाला है, अब उसी घड़ी भरेगा जब ऊपर हम लोग चले जाएंगे। तो देखिए इतना हमारे पास दुख आ रहा है, दुखती में दुखती आ रहा है कि अब क्या करें, अब चावल का बोरा देखिए तो काट दिया है, और यही चावल हम लोग 2000 का किने थे ना जी, जी 52 रुपया किलो, हाँ 2000 का चावल किने थे,
तो क्या करे, कुछ जियान किया है 2-4 किलो। कोई बात नहीं है, उसको भी खाना चाहिए ठीक ना। तो और हमारे माँ के घर का तो खेत बन की धरा ही है कि हम अपने मायके से चावल नहीं ला पाते हैं, नहीं तो हमारे मायके का चावल थोड़ा सा बचा है। आप लोग को दिखाएं हमारे माँ का प्यारा ना, दिखाएं उसको। ऐसे रखते हैं कि पूछिए मत, अभी शादी नहीं हुआ था उससे पहले का हम चावल रखे हैं, और वही हमारे माँ का प्यार है उतना सा, और माँ का ममता वही। आप लोग को दिखाएं ना, दिखाएं नहीं, हम दिखाएंगे कि कैसे रखे हैं, देख लीजिएगा। देखिए ये मेरे माँ का चावल, ये काला कि अपन माँ अपन माई वाला चावल बढ़िया रख लो, पतला बहुत ज्यादा है। और ये जो है कि ये खरीदे हैं हम लोग, देखिए तो कितना मोटा है ना, थोड़ा 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 है ना, फिर भी देखिए घर का चीज और दुकान का चीज भरसा को क्यों नहीं अपना ही रहे, लेकिन खरीद के लाएंगे ना तो जल्द। ये बोरा लाए थे खरीद के, आप लोग से हम बता रहे, एक दिन सोए थे बेड पे, बोरा लाए थे, मेरा बोरा आधा खाली हो गया, बोले कि साला 20 दिन में इतना चावल खत्म हो गया, और यही घर का होता तो नहीं ना खत्म होता है, बताइए। कब मेरे माता रानी की कृपा से मेरे माँ का खेत गिरवी जो छूट जाता तो बहुत अच्छा रहता, हम खूब ज्यादा चावल लेके आते है, और सब चीज मेरा वही से आता है। मेरे मम्मी लोग चावल नहीं खाते है ना, दोनों लोग बीमारियां है इसीलिए। तो अब क्या करें, माँ को तो याद आ ही रहा है, लेकिन अच्छे चलिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो खेत भी छोड़ा देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग प्यार दुलार देते रहिएगा न जी भैया जी, और फिर खेतवा छोड़ा लेंगे, आपको पैसा दे देंगे। काहे आप नहीं बोल रहे, बोलिए, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो देखिए सोचे है ना कि सब काम छोड़ के इसको ऐसे कर देंगे, आँख देंगे झरना से तो ठीक हो जाएगा ना जी। तो मुसीबत तो इतना आ रही है कि पता नहीं बता नहीं सकते कि कैसा कैसा, अब पैर रखने में भी एक कदम आगे बढ़ने में भी डर लग रहा है, पूछिए मत ही, ऐसा डर लग रहा है कि क्या बताएं आप लोग को। लेकिन समय है, चलिए समय का सामना करना बहुत अच्छा बात है, और समय जो करा देता है वही अच्छा है, हम लोग से कुछ नहीं होगा, समय और भगवान दो ही लोग तो है। समय बलवान होते है भाई, क्या कि सब दिन एक न होते समान है प्रभु जी का, कि समय होता है बलवान। अब हमें जानते कौन पूजा होता है, लड्डू चढ़ी विश्वकर्मा पूजा। तो चलिए आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिए। और देखिए मेरा तो चूहा ना काट ही दिया है, और हमको लग रहा है रुकिए रुकिए इसको उठा दें थोड़ा, हमको लग रहा है कि ये चूहा का पेट बड़ा है, इसीलिए वो ज्यादा चावल खाने के लिए प्रयास किया है। तो देखिए क्या किया जाए, ऊपर से उठा ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, सब चीज का खेती तो नीचे ही से होता है ना, जमीने से, तो ये कौन खाएगा, चीनी तो भर दुकान और भर तू छीटा रहता है चीनी, फिर भी हम लोग लाते लाते कराता है तो चाय बना के पीते है ना, तो ये तो चावल है तो उठा लिए, और लड़की लोग आती है तो बाल झाड़ देती है ना इसी में। तो देखिए दुख सुख तो दुनिया के ऊपर आता रहता है, और देखिए ये बैठ के बेचारा है और टेंशन में है, अभी पैसा का जुगाड़ नहीं हो पाया है, लेकिन देखिए हम कुछ बात इनसे कहने वाले है, और सोच रहे है कि कहें कि न कहें। देखिए माँ बाप से कब तक ले कोई रूठ के रहेगा बताइए, माँ बाप के चरण में पूरा धाम रहता है, इसीलिए हम लोग का माँ बाप का बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत ज़रूरी, हद से ज़्यादा हम लोग का ज़रूरत माँ बाप का है। तो अब ब्यास जी से पूछ रहे हैं कि हाँ ब्यास जी आप क्या कर सकते हैं, और करेंगे कि नहीं करेंगे, और बताइए आप ही का हाथ में है और आपके आप ही के बस का है, तो एक बात आपसे हम पूछ रहे हैं, आप करेंगे, बोलिए। तो सुनिए इधर देखिए हम वीडियो बना रहे हैं। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सबके छोटे भाई तेजीराज प्रेमित, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करेंगे अच्छा होंगे, मस्त होंगे, रहिएगा स्वस्थ रहिएगा। ऐसे मेरी मम्मी वीडियो कैसे भी देख ली है, या कि मेरे भैया लोग कोई देख के बता दिए हैं कि बनी कान में का बेचतड़ी का मजबूरी बा माई तनी बतियावा न फ्लांट गान कितनो, ये तो बहन ही न हमनी के कुछ भी करी जा चाहे वो कुछ भी करी, लेकिन बहन तो बहन होले तो हमनी के एगो ना हो जला, तो हम माई कह लिया कि हमारी घरे आई वो लिया के चलेंगे यार।
थोड़ी माई के, लेकिन हाँ आप चलेंगे तभी हम जाएंगे। अब हम इनको एक मिनट दूर नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन से हम झगड़ा रगड़ा किए थे, परी को छोड़े थे, उस दिन से बेचारा कहीं नहीं जाते हैं। हम कहते हैं कि आप लोग काम पे मन लगाइए ना, दूसरे के साथ और दूसरे के पास कितने दिन गुजारा होगा बताइए। हमारा ही शादी हो गया, शादी इनसे हुआ है और दूसरे के साथ हम जाएंगे, दूसरे का बात सुनेंगे तो कितना दिन गुजारा हो जाएगा बताइए। किसी का भी नहीं होगा गुजारा। यही बात पहले समझ, ये बात आपको समझना चाहिए। हम कहीं नहीं जाते हैं, बात मानिए। हम किसी के बारे में नहीं चाहते हैं और सोचते हैं, तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप हमको लिया चलेंगे कि नहीं लिया चलेंगे बताइए। समझदारी चाहिए, लिया चलेंगे कि नहीं लिया चलेंगे बताइए। काहे नहीं लिया के चलेंगे? हमारे माँ के घर चलना है कि नहीं चलना है? काहे नहीं चलना है? तो बहुत इमरजेंसी है इसीलिए बोल रहे हैं, मेरी मम्मी बोली है। ससुराल हो गए तो जाएंगे ना परी, बाकी ससुराल के लोग को भी समझना चाहिए। तो देखिए ससुराल वाला के भी समझना चाहिए। आज देखिए मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो लोगों को क्या पता है। मेरी मम्मी नहीं पढ़ी है, मेरे पापा इंटर ले पहले का पढ़े हैं। तो मेरे पापा इतना बीमार है, इतने बूढ़े हो गए हैं ना कि वो कुछ नहीं, एक नहीं होता है कि वो लाइटिंग करने नहीं जा पाते हैं ढंग से, एक घंटे दो घंटे लग जाता है जाने में। तो आप बात मानिए कि खुशी सिंह कैसे लेके अपने माँ बाप को चलती है। और भाई लोग ऐसे ही हैं, आपको तो हर चीज़ बताए थे, घर स्थिति दिखाए थे। ये नहीं है कि हम शादी से पहले नहीं बताए थे और नहीं दिखाए, हम तो ऐसे भी लेकर घर चले गए थे शादी से पहले कि हाँ चलिए देख लीजिए। तो आप हटाइए मोबाइल, मोबाइल क्यों चलाते हैं बार बार? दूसरे का देखा देख के और हराना नहीं चाहिए, जो आपका सामने मुसीबत आया। नजरी से जबत गुजरिया, और सब बताइए आप लोग। तो यही सब तो दुख सुख लगा है, और आप लोग का दुआ दया रहेगा तो हम लोग माँ के घर जरूर जाएंगे। और अभी नहीं जा पाएंगे तो चार दिन तो टाइम लगेगा ही ना जी। तो आपका मर्जी ना कि चार दिन की, चार महीना की, चार साल का, आप नहीं जा, आप नहीं जानते। वो आपका विचार का ना, तुम्हारा आप अपना चैनल बेच दिए हैं का? ना दिए, जुड़वाने के लिए टूटा है। अच्छा, हम सोचे कि बेच दिए, हमको नहीं पता है। जिस दिन जिस टाइम हम लोग का झगड़ा हो रहा था उस टाइम हमको विश्वास नहीं होता है कि ये क्या कर सकते हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि मैंने बेच दिए हैं का। टूट गया ऐसे खोल रहे थे कुर्ता ना, तो उसमें थोड़ा सा नहीं, एक पहले दाना भी निकला था उसमें, तो उसमें वही चुप ऐसे घीचे ना तो फट गया वो, उसमें का सिक होता है ना, टूट गया। अभी सुनार के दिए हैं, अब कहिया देगा। आज जी बोला है कि जिस दिन जोड़ देंगे उस दिन आपको फोन। अपना सुना रहे इसीलिए वो अपने मन से बनाते हैं और देते हैं। ये नहीं है बेचारा कि नहीं देते हैं, वो जो सामान लिए रहते हैं उनका मन रहेगा तो देंगे, और जिस दिन मजबूरी रहेगी तो बहुत उधार बाड़ी भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और हाँ, कोई सामान भी बेचने हम लोग जाते हैं ना तो पहले वो बोलते हैं कि मत बेचिए, पैसा की जरूरत है तो आप पैसा ले जाइए लेकिन सामान मत बेचिए। तो ऐसा इंसान हर लोग को चाहिए और हर लोग को मिलना चाहिए। तो इनसे हम पूछ रहे हैं कि वैसे ही इंसान आप बन जाइए कि हमारे माँ के पास ले चलेंगे ना आप? तो हम कबर नहीं खिलेंगे, ये बोलते हैं इनकी माँ का घर अच्छा नहीं है तो बहुत गर्मी लगता है। तो मेरे मम्मी का घर करकट है तो क्या करे भैया की गर्मी लगता है तो क्या करे। ठीक है, मड़ाइए रही तो व्यवस्था रहना चाहिए ना, पंखा संखा यार बच्चे। ए भाई, तो कौन कमा के मेरे माँ बाप को देगा कि हाँ पंखा उंखा? मेरे माँ अभी तो अलगा हुई है, पहले का अलगा हुई थी और घर द्वारा बटाया है तो देख नहीं रहे कि मेरे घर में एक खिड़की नहीं है कि कितना गर्मी लगता है। और उतना भाई लाइक रहता था, दो मंजिल तीन मंजिल नहीं घर बनता जी, बताइए। तीन तीन भाई है कम बताइए, नहीं बनता। हम बता रहे कितने किसने वरिष्ठ का है, हमको लगता है बड़ा एक 30 वरिष्ठ का है, एक 28 वरिष्ठ का है और ऐसे ही है। और लबर लबर बोल दी सुनना, 28 वरिष्ठ 30 वरिष्ठ के ऐसे ही, तो क्या बताए कम से कम एगो होंगे 45 वरिष्ठ से कम के नहीं होंगे। 12 साल के हैं, इनको आप सुन लीजिए। अब यही है, देखिए यही दिक्कत ना होता है मेरे मेरे दिक्कत रही है 37 साल के। देखिए हम बोल रहे थे ना, ये बोले मजाक समझ रही थी, 37 वर्ष से कम उम्र नहीं हो रहा है। नहीं मेरा भाई पागल नहीं है लेकिन बहुत दारू पीता है इसीलिए इसे करता है। देखिए अभी हमसे मजाक कर देने, 18-17 साल के हैं तो अभी पागल नहीं है, पहले का वो रांची पड़ा है झारखंड में तो इसीलिए, लेकिन उसको हर लोग का पता है, हमारा भी जन्म पता होगा सबको। कमेंट में इनका भाई क्या क्या बोला देख लिया ना, इनका भाई को
तो क्या करें, चलिए अगले वीडियो में मिलता है। तो भाई तो भाई होता है तो क्या करें भाई, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, आप लोग कहेंगे तो बहुत सारा।